अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशवंत और आप देख रहे हैं सोल्यूशन। दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 4 है इलस्ट्रेटर की। इसमें हम देखेंगे हमने पेन टूल की मदद से अगर हमने कोई ट्रेसिंग वगैरह करनी हो तो किस तरह करेंगे और हमारे पास जो है लेयर है वो क्या होती है। तो चलिए जल्दी से हम अपने जो है इलस्ट्रेटर को करते हैं स्टार्ट और आप बताता हूँ कि आपने ट्रेसिंग जो है वो किस तरह करनी है। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आपने टेंशन नहीं लेनी थोड़ी भी। मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने जो है ट्रेसिंग है वो किस तरह करनी है। हमने अपने जो है इलस्ट्रेटर को ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम इधर से एक जो है फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल क्रिएट करने के बाद हमने एक जो है न्यू फाइल ओपन करनी है, इंपोर्ट करेंगे या वैसे ही आप ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। हमने जो फाइल की जिस चीज़ की हमने ट्रेसिंग करनी है आप वो सबसे पहले फाइल जो इधर आप कर लेंगे ओपन। उस फाइल को ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तो आप सिंपल उधर उसको उठा के ड्रॉप करके इधर ड्रैग कर सकते हैं और दूसरा आप इधर जो फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाके इधर प्लेस पर क्लिक करेंगे और जहाँ आपकी फाइल होगी आप उसको ब्राउज करके इधर ले आएंगे। मैं आज एक सिंपल सा जो है आपको एक लोगो है सिंपल सा वो हम आज उसको ट्रेसिंग करेंगे और देखेंगे हम उसको किस तरह ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। ये वाला इस लोगो को हम बिल्कुल सिंपल लोगो है, सबसे पहले हम इसको ट्रेसिंग करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेटेड जो है उस तरह के लोगो जो है उस पर हम ट्रेसिंग करेंगे। जैसे ही आप इसको प्लेस के आप इसको कर लेंगे तो ये जो आपकी पिक्चर है ये आपके एरो पर आ जाएगी। आपने इसको जहाँ पर भी आपने इसको रखना चाहते हैं, आप प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो आपकी पिक आपके पास वो आ जाएगी। तो ये हमारी पिक जो है हमारे पास आ गई है। इसका साइज थोड़ा कम कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो पिक है हमारे पास ये इधर बिल्कुल इसको ये हमारे पास एक इस पर हम काम नहीं कर सकते, इस पर आप देख सकते हैं कि आपको क्रॉस का जो निशान है वो नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जो है एक लिंक्ड फाइल है, इस पर हम काम नहीं कर सकते। हम इसको अपने पेज का हिस्सा बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको एम्बेड करना है। इधर आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एम्बेड का, आपने इस पर इसको जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे ही उस जो है जो इमेज है आपके जो पेज का हिस्सा बन जाएगी तो अब आप इसको एड कर सकते हैं। हमने इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट करके ये आपके पास जो है लेयर का ऑप्शन है इसको अपने लेयर को करना है ओपन। ओपन करके आपने इसको सिलेक्ट रखना है और इधर जो तीन लाइंस है इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करके तो इधर आपके नीचे पास एक ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसका फ़ायदा आपके पास ये होगा तो एक जो आपकी जो लेयर है ये लॉग हो जाएगी और दूसरा जो इसकी जो है डेंसिटी है जो जो इसकी ओपेसिटी है ये थोड़ा कम हो जाएगी, इससे आपको जो है काम करने में आसानी होगी। इधर हमने इसको टेम्पलेट को इसको हमने टेम्पलेट कर दिया है और ये हमारे पास लॉक हो गई है, लॉक हो गई है और इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी हमारे पास। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे जिस पर हमने काम करना है और अपना जो आपका पेन टूल है उसको हम कर लेंगे ओपन। अपन पेन टूल को ओपन करके इसको थोड़ा सा कर लेंगे जूम, इधर से हम इसको स्टार्ट करेंगे पेन टूल की मतलब ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। हमने जो इसका जो फील है वाइट लिया हुआ है तो आपने क्या करना है कि इसका जो फिल है उसको ऑफ कर देना है और इसका जो स्ट्रोक है उसका जो कलर है आपने थोड़ा सा डार्क कलर ले लेना है जो आपको देखने में आसानी हो, जिसको आप अच्छे से देख सकें।
एक कॉर्नर जो है हमने उसका ट्रेस कर लिया है, अब उसका जो दूसरा कॉर्नर है उसको ट्रेस करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल काम है, बस इस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और आपका जो काम है वो हो जाता है। जो दो कॉर्नर थे उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, अपने कीबोर्ड से जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास हैंड ओपन हो जाएगा। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फिर भी मैं मज़ीद आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि काम पर आपने कौन सी की इस्तेमाल करनी है। आप देख सकते हैं कि कितने थोड़े से टाइम में जो हमारा लोगो है तकरीबन हाफ जो है वो हमारे पास जो है इसकी ट्रेसिंग हो गई है। अब जिसके अंदर जो जो वाइट फील वाला है हम इसको ट्रेस करेंगे। बिल्कुल इजी और सिंपल है। आज की वीडियो में हम इसको जो बिल्कुल एक सिंपल होगा जिसको हम ट्रेस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें जो है मज़ीद और टूल के बारे में देखेंगे और जो है कॉम्प्लिकेटेड जो लोगो हैं हम उसको भी ट्रेस करके देखेंगे कि वो किस तरह ट्रेस होते हैं हमारे पास। और जल्दी से मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। इसका जो व्हाइट पार्ट है वो हमने ट्रेस कर लिया है, अब जो इसके अंदर वाला जो रेड पार्ट है आप इसको ट्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमें अभी चंद मिनट हुए हैं कि हमने जो है अपना लोगो है इसको ट्रेस कर लिया है। जो पेन टूल जो है बहुत ही काम का टूल है हमारे पास, आप इससे और भी बहुत काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको आस्ता आस्ता सारा कुछ बताऊंगा कि आप इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। जी हमारा इधर से थोड़ा सा बाहर को है, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब तकरीबन जो है हमारा सारा लोगो जो है वो ट्रेस हो गया है। अब इसमें हम करेंगे कलर। कलर कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिस पर आपने कलर करना है इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और इधर आपके पास एक जो आता है आई ड्रॉपर आता है इसको आपने कर लेना सेलेक्ट। सबसे पहले जिस पर आपने कलर करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको सिलेक्ट करना है और जो आपको इधर इसके अंदर फिल करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो फिल इसके अंदर आ जाएगा। हम फिर सिलेक्शन टूल पर जाएंगे, इधर इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसके अंदर ब्लैक कलर करना चाहते हैं तो हम इधर से ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी कलर आपने उसके अंदर करना हो वो आप उधर से हो जाएगा। हम फिर इस पर सिलेक्ट करेंगे अपने पाथ को जिस पर हमें कलर करना है और फिर ड्रॉपर पर जाएंगे अपने उस पर कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर वो कलर जो आ जाएगा। फिर हम इसके
अपने सिलेक्शन टूल पर जाएंगे, इसके अंदर हमने वाइट कलर करना है तो हम सिंपल वाइट क्लिक कर देंगे। इसके अंदर हमने सिंपल वाइट करना है तो वाइट इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे ड्रॉपर और वाइट कलर कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे ड्रॉपर की मदद से वाइट कलर कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे वाइट कलर, उसके बाद ये जो रेड कलर वाली इसको सेलेक्ट करेंगे, रेड कलर इसके अंदर कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे रेड कलर कर देंगे। और अब बारी आ गई इसकी, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ब्लैक कलर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा लोगो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए की मदद से, कंट्रोल ए की मदद से सब सारे को सिलेक्ट करके तो आपने इसको कर देना है ग्रुप। ग्रुप की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी, आपने कंट्रोल उसकी मदद से भी ग्रुप कर सकते हैं इसको, और इधर से भी आप इधर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रुप हो गया। अब आप जैसे इसको उठा के आगे पीछे करेंगे जो हमारे पास जो है कंप्लीट का कंप्लीट आगे पीछे होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो हमारे पास है बिल्कुल सेम के सेम है, जिस तरह का जे है उस तरह का जे वाला है। अब हम इसको कर देंगे, इधर अपने लेयर पर जाएंगे, लेयर पर जाके इधर इसको जी हम इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके इधर जाएंगे और वापस इसको टेम्पलेट पर जहाँ पर हमने क्लिक किया था उसको वापस सही कर देंगे। जी बिल्कुल हमारे पास जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है, हमने इसको टेम्पलेट किया था तो वो ठीक कर दिया हमने इसको। अब इसको हाइड कर दें, इधर साइड करना है तो हाइड करके देखें जी बिल्कुल सेम की सेम है, जिस तरह का जी है उसी तरह की वो है। इसको वापस लें। आप देख सकते हैं कि हमने जो है लोगो एक ट्रेस कर लिया है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। हमने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की है इस पर और सेम का सेम उसी तरह का लोगो हमारे पास आ गया है। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, इधर से फाइल पर जाएं और इधर सेव का ऑप्शन पर आप इधर से जाके सेव कर दें। अगर इधर से नहीं करना तो इसकी शॉर्टकट की इधर सामने लिखी हुई है कंट्रोल एस, तो उधर से आप इसको सेव कर लें।
हमने इसको कर दिया सेव। इसको कर देंगे ओके, ये जो फाइल है हमारे पास सेव हो जाएगी। जी देखो जी, हमारे पास जो है हमारी जो लोगों की फाइल है वो हमारे पास सेव हो गई है। अगर आप इसको अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी जैसे इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेकर इस तरह आपके सामने नज़र आ रहा है, आप इसी तरह इसका जो स्क्रीनशॉट है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते थे वो भी इसको कर सकते हैं। इसका जो आप चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास जो एक्सपोर्ट की फाइल आ गई है, हमने जिसको अभी एक्सपोर्ट किया है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो अगर आप उसकी जो है लिस्ट की फाइल में इसको सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको वो मैंने आपको बता दी थी, हमारे पास जो है लोगों की फाइल आ गई है, बहुत ईजी है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम मज़ीद इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपका उसका जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।